राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है दिन वेडनेसडे और सुबह के करीबन 6:15 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैं अपने किचन को समेटूंगी। किचन बहुत इस समय मैसी हो जाता है क्योंकि बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाओ और सब्जी वगैरह सब कुछ ठंडी करो, फिर उनके भी बर्तन हो जाते हैं बनाने के और ठंडे करने के, तो वो सब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो उन सबको पहले सेट करूँगी, उससे पहले मैं अपनी बर्तन वाली जो डलिया है उसे खाली कर लूँगी। उसके बाद फिर गैस वगैरह जो कुछ भी है पूरा फैला पड़ा है, किचन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है इस वक्त कि हाथ मतलब ये समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो काम को और कहाँ पर ख़त्म करो। तो सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह खाली करूँगी और उसके बाद जो दूध की बाल्टियाँ हैं उन्हें भी खाली करूँगी, भगोनों में पलटूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना साफ़ करना शुरू करूँगी। क्योंकि सुबह ना कृष्णा के लिए सब्जी पूड़ी या सब्जी पराठा चाहिए होता है और ओम के लिए दाल चावल बनते हैं, और प्लस उसके साथ मीठा भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, या तो हलवा होना चाहिए या फिर मतलब बाहर की मिठाई होनी चाहिए। तो आज तो मैंने उसके साथ कृष्णा के बर्थडे का केक था वो रख दिया था, तो मैंने हलवा नहीं बनाया था। लेकिन वैसे उसके लिए डेली मुझे कुछ ना कुछ मीठा बनाना पड़ता है। आज लेकिन वो दाल चावल लेके गया है तो उसके लिए मैंने दाल चावल बनाए थे और कृष्णा के लिए सब्जी पराठा बनाए थे। तो बहुत सारे आइटम हो जाते हैं इसलिए बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। और बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने मट्ठा भी लगा दिया है चलाने के लिए, क्योंकि बच्चे 6 बजे चले गए थे, 15 मिनट में मैंने मट्ठा वगैरह लगा दिया क्योंकि बर्तन फिर सारे एक साथ साफ़ हो जाते हैं तो मैं किचन से इस समय फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरा बाहर का जो पोर्शन है उसकी झाड़ू पोछा और सब कुछ रह जाता है तो वो मैं करती रहती हूँ। किचन में इस समय मैं सिर्फ रोटियाँ छोड़ूंगी बनाने के लिए, बाकी पूरा काम अभी ख़त्म करूँगी। दूध वगैरह गर्म करना है, मट्ठा चलाना और बर्तन वगैरह साफ़ करना, सब कुछ इन टोटल अभी ख़त्म करूँगी। और ये टाइल्स भी मतलब मेरी थोड़ी थोड़ी चिकनी सी हो गई थी तो मैंने सोचा इस पे भी कपड़ा मार देते हैं। और मेरे ना कई दिन हो गए मतलब इन कवर्ड्स को एक चूहा घुस गया तो उसने पूरे बर्तन अस्त व्यस्त कर दिए हैं, पूरे जो कप वगैरह थे एक के ऊपर एक लगे हुए थे वो सारे ऊपर नीचे कर दिए। तो उसे भी किसी भी टाइम बैठ कर सेट करूँगी। फिर वो चूहा तो निकल गया लेकिन उसने आतंक बहुत मचा दिया था तो उससे काम ख़राब हो गया मेरा बहुत, क्योंकि काम बढ़ जाता है और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और दो तो मतलब ग्लास भी टूट गए क्योंकि वो मैंने एक के ऊपर एक लगा कर रख रखे थे तो वो जब गिरे तो फिर वो टूट गए दो ग्लास। और मेरे कुछ ग्लासेस बाहर रखे हुए तो इन्हें भी कवर्ड में लगाऊंगी, उससे पहले लेकिन पूरी स्लैप वगैरह अच्छे से साफ़ करके और सारे बर्तन इकट्ठे कर दूंगी, उसके बाद फिर इन ग्लास को कवर्ड में लगाऊंगी। और हम हाउसवाइफ्स के पास यही काम होता है डेली का, सुबह के कभी किचन साफ़ करना है कभी रूम साफ़ करना है। कि आप लोग डेली बस क्लीनिंग की और वर्क की काम कई मतलब वीडियो दिखाते रहते हो, तो अब आप ये बताइए हम लोगों के पास जो कुछ भी है वही तो करेंगे, हमारे पास कोई हाउस हेल्पर तो है नहीं जो कि हम काम वो कर लेगा और बाकी हम इधर उधर मतलब आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। हमारे पास तो यही काम है और बिना हाउस हेल्पर के ना हाउसवाइफ के इतने सारे काम होते हैं कि जब कोई करे तब उसे पता चले कि कितना काम होता है। एक मिनट के लिए भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती हम लोगों को, कंटिन्यूस लगे रहते हैं तब जाके हमारा काम टाइम से हो पाता है और सब कुछ मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को जो बंदा करता है उसी को समझ में आता है कि कितना काम होता है हाउसवाइफ्स के पास, क्योंकि हम लोग कितनी सारी जॉब एक साथ हैंडल करते हैं, कुकिंग, सफाई, मतलब सब कुछ, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, सब कुछ देखना है साथ में, और फिर अपने आप का भी ध्यान रखना है। तो अपने लिए तो बहुत ही कम टाइम मिल पाता है लेकिन बाकी सबके लिए तो निकाल लेते हैं हम लोग, अपने लिए नहीं निकाल पाते लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत निकल आए तो, लेकिन होता नहीं है अपना कुछ भी, अपना तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो बस यहाँ पर मेरा किचन की स्लैब वगैरह सब साफ़ हो गई थी, उसके बाद फिर मैं अब करूँगी बर्तन साफ़। मैंने काफ़ी बर्तन साफ़ कर दिए हैं, थोड़े से और रह गए हैं तो इन्हें भी साफ़ करूँगी। और दूध की बाल्टी वगैरह सब कुछ हैं, बहुत सारे हो जाते हैं इस वक्त बर्तन क्योंकि 2 बाल्टियों में दूध आता है तो वो सब भी हो जाते हैं, तो वो सब भी साफ़ करके इसी समय रख दूँगी ताकि दूध की महक नहीं रहे मतलब उसमें किसी भी तरह से। बाल्टियों को मैं धो के और फिर बाहर के पोर्शन में रख देती हूँ उन्हें खुला उल्टा करके ताकि उसमें से कोई भी स्मेल ना रहे, क्योंकि दूध गर्मियाँ हैं, अगर थोड़ा बहुत भी रह जाएगा तो फिर दूध ख़राब होने के चांसेस होते हैं और दूध ख़राब होना मतलब चाय नहीं मिलना, और चाय के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें तो सुबह चाय चाहिए, शाम को भी चाहिए और बहुत मतलब मज़े से पीने में आनंद आता है चाय को। चाय मैंने अभी भी नहीं पी है, पूरा काम हो गया था लेकिन मैंने चाय नहीं पी थी, इससे फ्री होने के बाद मैंने फिर चाय पी थी, तब जाकर फिर नहाने गई थी क्योंकि मेरा अभी बाहर का काम बाकी रह गया था तो वो सब भी करूँगी मैं उसके बाद में।
और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं चली गई थी बाहर, पूरा काम ख़त्म करने के बाद आप लोगों से मैंने आगे जो बात की है वो उसके बाद की है, क्योंकि जब मेरा पूरा काम फिनिश हो गया था तभी जाकर फिर मैंने लास्ट वाली क्लिप बोली थी, क्योंकि मैंने कहा चलो एक फ़ेस टू फेस बात हो जानी चाहिए थोड़ा सा, इसलिए फिर मैंने लास्ट क्लिप बाद में जब मैं फ्री हो गई थी उसके बाद ही बात की थी। तो आप लोगों ने देखा सुबह सुबह इतने सारे बर्तन हो जाते हैं और मेरे सारे बर्तन वगैरह सब साफ हो गए हैं, पूरा काम खत्म हो गया है, बस रोटियां बनाना बाकी है तो वो मैं बनाऊंगी नहाने के बाद। अब मैं पसीना सुखाने के बाद पहले नहाने जाऊंगी, उसके बाद फिर बाकी सारा काम खत्म करूंगी। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का करूंगी एंड, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।